तो आज की बहुत बड़ी खबर में पता चला है कि यूपी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस को क्लियर किया है जिसके बेसिस पे वो फोर्स्ड कन्वर्जन, जो लोग अपने जो अपने जो धर्म बदलने के लिए अगर कोई किसी को जबरदस्ती के साथ ऐसे हो रहा है उसके लिए उन्होंने एक नया कानून बना के रखा है। उन्होंने आपको याद होगा कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ तो बोल रहे थे कि हम ऐसे एक नए कानून लाने वाले हैं जो लव जिहाद को रोकने के लिए लाएंगे यूपी की तरह, और भी चार और बीजेपी जो रूरल स्टेट्स है जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है उनके सरकार ने बोला कि वो भी लव जिहाद को टैकल करने के लिए नई कानून बनाने वाले हैं। आज जो यूपी के जो ऑर्डिनेंस है उससे हमें थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि ये किस तरीके से इसको आगे लेके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जहां पे भी कन्वर्जन की इशू है उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि यहाँ पे जबरदस्ती से लोगों को कन्वर्जन धर्म बदलने के लिए कोई थ्रेट नहीं हो रहा है उनको उनको देखना है कि अगर शादी के लिए कोई कन्वर्जन कर रहा है धर्म बदल रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट होना चाहिए, इसको दंडनीय अपराध बना के रखा है, और उसके लिए वो 5 साल तक की जेल के लिए सजा देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि फाइन भी 25,000 रुपए तक हो सकता है। अब ये जब ऐसे कानून के बारे में हमें पता चल रहा है तो दो सवाल उठते हैं। पहले यही है कि यहाँ पे कानून के लिए एक्चुअली कोई बेसिस है क्या? संविधान के बेसिस पे ये किया जा सकता है क्या? और भी कानून नहीं है इसको देखने के लिए? और दूसरी बात ये कि अगर ऐसे चीज नहीं, अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, जेन्युइन कोई कॉज नहीं है ऐसे कानून के लिए, तो फिर एक्चुअली ये सब हो क्या रहा है? तो अगर हम देखें यहां पे, तो पहली बात ये है कि ऐसे कानून के लिए कोई जरूरत है? जवाब तो ये है कि एक्चुअली नहीं। अब अगर हम इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी है उसको देखें तो उसमें एक्चुअली ऑलरेडी कुछ ऑफेंसेस हैं जो यहाँ पे अगर कोई एक्चुअल प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको ऑलरेडी एड्रेस करते हैं। पहली तो ये है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में एक चीज होता है कि अगर आप किसी को जबरदस्ती से कोई चीज कराया करा रहे हो जो उनको कानून के बेसिस पे नहीं करना है तो फिर ये एक दंडनीय अपराध है और उसके लिए 7 साल तक जेल की सजा मिल सकती है आपको। अब ये जो ऑफेंस, अगर आप किसी को जबरदस्ती से उनके धर्म बदलने के लिए बोल रहे हो तो ये ऑफेंस ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप किसी लड़की को किडनैप कर रहे हो उनको शादी कराने के लिए और ऐसे चीज और उनको जबरदस्ती उनको ले जाने के लिए, तो इनफैक्ट वो एक सेपरेट ऑफेंस है नॉर्मल जो किडनैपिंग का जो ऑफेंस है उससे। तो ऑलरेडी कानून में जो भी अगर कोई जेन्युइन इशू है कि किसी को जबरदस्ती कर रहे हो अपने धर्म बदलने के लिए, उनको थ्रेटन कर रहे हो या किसी को उठा के ले जा रहे हो, इन सब चीजों के लिए ऑलरेडी कानून में चीजें हैं। अगर हम और भी कुछ चीजें देखें तो कुछ राज्यों में एक्चुअली ऑलरेडी ऐसे एंटी कन्वर्जन लॉज है, जैसे मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है कि अगर किसी को आप फोर्स कर रहे हो, किसी को पैसे देके उनसे उनको कन्वर्ट करा रहे हो, तो इन सब चीजों वो ऑलरेडी इसको एड्रेस करते हैं। तो मध्य प्रदेश जो एक जो अभी जो 5 स्टेट में से है जो बोल रहे कि उनको लव जिहाद का लॉ निकालना है, तो इससे पता चल जाता है कि एक्चुअली उनके पास कोई इशू नहीं। पर यहाँ पे ये सब फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में क्यों जा रहे हैं, हम ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है उसी को क्रिमिनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रॉब्लम ये कि लव जिहाद को डिफाइन कैसे करोगे? आपने तो सुना ही होगा कि वो बोलते तो हैं कि हाँ देखो मुस्लिम आदमी जो है वो जाके हिंदू औरतों को उनके साथ रोमांस करके फिर उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए आ रहे हैं, पर इसके लिए कोई एविडेंस तो है नहीं। बीजेपी के खुद के गवर्नमेंट सेंटर में लोकसभा में जाके बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास हमारे कानून में तो ऐसी चीज है ही नहीं और हमारे जो एजेंसीज हैं उनको अभी तक ऐसे कोई एविडेंस मिला नहीं है। एनआईए ने जाके प्रोब किया है केरला में, जांच किया है कर्नाटका में, वहां पे कुछ नहीं मिला उनको। यूपी के खुद के जो एसआईटी बना के रखा था अगस्त में कि लव जिहाद को के केसेस को इन्वेस्टिगेट करो, उन्होंने आधे केसेस तो ऑलरेडी ड्रॉप कर लिए कि वहां पे देखो यहाँ पे पूरा कंसेंट के साथ है और लड़की खुद कह रही है कि उनको जाके कन्वर्ट करके शादी करना है। तो यहाँ पे इश्यूज है कि और कि ऐसे कोई इशू ही नहीं है लव जिहाद के बारे में। अगर कोई एविडेंस देखा जाए तो उसके बेसिस पे कानून तो बन ही नहीं सकता, इसलिए पूरा ये जो रिलीजियस कन्वर्जन का इशू बन गया। अब इसमें सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल ये चीज है कि वो कह रहे हैं कि कोई भी शादी के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, बस अगर वो शादी के लिए ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी है। अब ये कैसे हो सकता है? आप
वो बोल तो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डीएम से 2 महीने किसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन जेन्युइन है नहीं है। पर इन सब चीजों में एक्चुअली अगर अडल्ट है, अगर 18 साल के ऊपर के बारे में लोग देख रहे हैं, तो फिर एक्चुअली यहाँ पे कोर्ट का कोई रोल हो ही नहीं सकता है। अब कुछ लोग पहले जैसे योगी आदित्यनाथ पहले बैठ के बोले थे, देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद बोला है कि रिलीजियस कन्वर्जन अगर कर रहे हो बस शादी के लिए फिर ये गलत है, ये गैर कानूनी है। पर एक्चुअली वो सही है कि एक्चुअली सितंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सिंगल जज ने एक ऐसे ऑर्डर दिया था, पर उसमें एक्चुअली उन्होंने कोई रूलिंग या फाइंडिंग नहीं किया था। वो उन्होंने ऐसे बोला कि हम यहाँ पे एक कपल, इंटरफेथ कपल जो था, मुस्लिम हिंदू कपल जो था, उनको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ था वो गलत था। पर एक तो ये भी गलत था और कानून के तौर पे तो और भी गलत था, क्योंकि वो जो ऑर्डर था उसमें वो एक सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट के बेसिस पे ये बोल रहे थे, और उस जजमेंट में एक्चुअली कोर्ट ने बोला था कि अगर एक अगर ऐसे टाइप के कन्वर्जन हो रहा है बस शादी करने के लिए, वो इलीगल हो सकता है। पर उस केस में इशू ये था कि एक हिंदू आदमी ने एक्चुअली, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक एक वाइफ थी, ऑलरेडी पत्नी थी, उनको एक दूसरी पत्नी लेनी थी, तो वो जाके इस्लाम में कन्वर्ट करके एक हिंदू औरत से फिर से शादी करने के लिए उन्होंने ये कन्वर्जन किया था। उस केस में कोर्ट ने बोला था कि ये गलत है, क्योंकि वो उनको डिवोर्स नहीं करना था, अपने पहले जो पत्नी उनके साथ जो ऑब्लिगेशन है उसको बचने, उससे बचने के लिए उसने कन्वर्जन किया था। अब इसके वजह से वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो कन्वर्जन गलत है और सर्कमस्टांसेस में नहीं। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच जो 2 जजेस बैठे हुए, उन्होंने जाके वो जो पुराने ऑर्डर है उसको ओवररूल करके बोला है कि ये गलत है। 11 नवंबर को एक जजमेंट है उनका, उन्होंने इसमें पूरा क्लैरिफाई किया कि नहीं, जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो अगर हम देख लें तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो कि कोई कोई भी रीजन के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे लोग कैसे थे कि नहीं देखो शादी की बात है, पर शादी की बात में डिफरेंस क्यों आना चाहिए? अगर आपको पता है तो इंटरफेथ मैरिजेस के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट कानून है, पर स्पेशल मैरिज एक्ट जो कानून है उसमें ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वहां पे 30 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम कपल्स को बहुत हरासमेंट होता है, उनको थ्रेट किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, कोर्ट कचहरी में ही वहां पे उनको पीटा जाता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये एक सही रूट नहीं है। सबसे सिंपल चीज यही है कि कोई कि उनमें से एक कन्वर्ट कर ले आराम से शादी, एक ही दिन में पूरा सब कुछ हो जाता है, और इसके वजह से लोग कर रहे हैं। तो अब कोर्ट को इसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट आ ही नहीं सकता जब तक किसी को जबरदस्ती किया जा रहा है। पर जबरदस्ती के लिए जैसे हमने ऑलरेडी बोला, वो ऑलरेडी उसके लिए कानून के में ऑलरेडी प्रोविजंस है, आईपीसी में ऑलरेडी प्रोविजंस है, तो ये सब कानून की जरूरत ही क्या है? इससे हम देखते हैं कि एक्चुअली इश्यू क्या है, यहाँ पे कोशिश क्या किया जा रहा है कि और भी डिवाइड कर लो लोगों को, और भी बांट लो लोगों को, डिस्क्रिमिनेट करो, और भी हेट्रेड बनाओ, और भी हरासमेंट करा दो जो ऑलरेडी इंटरफेथ जो हिंदू मुस्लिम कपल्स के लिए है, जो समाज में ही हो जाता है, उनको और भी हरास कर लो कि लोग ये बंद ही कर दे। और अगर ये कर लिया जाए और अगर ऐसे इस चीज को इतनी 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 डिफिकल्ट प्रोसेस बना दो, तो उससे फिर क्या होता है, आपके कम्युनिटीज को आप बांटने में वो इजी हो जाता है, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी अगेंस्ट और भी इजी हो जाता है। ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, अगर आप देखोगे तो पुराने तो हिस्ट्री में जब भी ऐसे टाइप के कानून बने, जैसे नाजी जर्मनी में एक नूरनबर्ग कानून था जिसमें यही किया जाए कि जूस और नॉन जूस में शादी नहीं हो सकता। अब उसके बाद जो इफेक्ट्स देखे गए थे वो यही थे कि इतना हरासमेंट हो गया कि लोग बंद ही करने लग गए इंटरफेथ कपल्स के। अगर आप यूएस में एंटी मिसजिनेशन लॉज कहते थे, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन जो थे और जो व्हाइट्स थे उनको उनके बीच में शादी नहीं हो सकता था, सेम चीज यही था। स्पेसिफिक इशू नहीं है, बात यह है कि अगर आप लोग में बांटने की कोशिश कर रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा दो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, और इसको अगर इसको समझने के लिए आप और भी चीज साथ में देखो क्या है यहाँ पे कि देखो मुस्लिम लोग हमारे हिंदू बेटियों के ऑनर ले जा रहे हैं, उनको उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, ऐसे सबका जो नैरेटिव बना है वो ही उस टाइप उस तरीके से जो पहले जमाने में कानून थे वो भी साथ में उसके साथ यही होता था। तो इससे हमें पता चलता है कि इशू है क्या। तो अब देखते हैं कि कोर्ट्स में क्या होने वाला है, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कानून को जब चैलेंज किया जाएगा तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा, क्या वो बोलेंगे कि नहीं राइट टू प्राइवेसी जो है, जो राइट टू रिलीजन है उसको बचाने के लिए वो इसको रोक देंगे कानून के बेसिस पे, तो उनको करना ही चाहिए। अगर हम ये जैसे हमने बोला इलाहाबाद के जो हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने ऑलरेडी ये देख के बोला है, तो ये तो अच्छी चीज है। अभी देखना पड़ेगा कि क्या ये कानून के साथ और के साथ होने क्या वाला है, क्योंकि जैसे हम बोल रहे थे कानून की बात भी तो नहीं है यहाँ पे, ये तो अब समाज में और भी लोगों को बांटने के लिए इशू है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कैसे इफेक्ट्स आते रहेंगे इस कानून के साथ।